मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्कार, मैं हूं महेश पलावत, आप देख रहे हैं SkyMet Weather। यह है देश भर का मौसम अपडेट और मौसम पूर्वानुमान। तो पहले नजर डालते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ किस जगह पर है। ये हिमाचल प्रदेश से थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है और एक और पश्चिमी विक्षोभ है जो अफगानिस्तान के पश्चिम दिशा में है। ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगा और जैसे हमने पहले भी आपको पिछले कई दिनों से हम समझा रहे हैं कि लगातार पश्चिमी विक्षोभ मई के महीने में आ रहे हैं, जो बहुत ही थोड़ा सा एक कह सकते हैं अपवाद है या एक्सेप्शन है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि मई के महीने में इनकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि ये नॉर्थ में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन इस बार काफी अच्छे पश्चिमी विक्षोभ हैं जो पहाड़ों पर लगातार बारिश की गतिविधियां देंगे, जो 15 मई तक तो हमें उम्मीद है कि जारी रहेगी। उसके आगे जो भी होगा, अगर लगेगा कि हाँ उसके आगे बढ़ेगी तो आपको बताएंगे, क्योंकि 3-4-5 दिनों से ज्यादा का जो एक्यूरेसी होती है थोड़ी सी अच्छी रहती है, उसके बाद एक्यूरेसी कम हो जाती है क्योंकि मॉडल इसीलिए लगातार रन करने पड़ते हैं हमें, और हवाओं की दिशा वगैरह में साइक्लोनिक सर्कुलेशन और वगैरह जो पैरामीटर्स है इसमें चेंजेज आते हैं, इसीलिए इतने आगे का पूर्वानुमान जारी करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके प्रभाव से एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र आप देखिए कि सेंट्रल पाकिस्तान में है, वहां से एक तरफ रेखा दिल्ली के आसपास तक आ रही है, एक तरफ रेखा ये जा रही है कराची के आसपास तक। तो पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि बारिश की गतिविधियां जारी रही थी, यानी कि ठीक ठाक बारिश हुई थी इस इलाके में। तो लेकिन जो अमृतसर और उसके आसपास के इलाके हैं, गुरदासपुर, पठानकोट, इन इलाकों में भी गर्जना वगैरह देखने को मिली और कुछ स्थानों में बारिश की गतिविधियां भी देखी गई, और राजस्थान के उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी जिलों में भी कुछ धूल भरी आंधी के साथ बारिश हुई थी। अब क्या होगा, आज 10 तारीख को जो धूल भरी आंधी है वो पंजाब हरियाणा के साथ साथ राजस्थान के कुछ इलाकों में हो सकती है। दिल्ली में आज शाम के आसपास गरजने वाले बादल बन सकते हैं। कल 11 मई से हमें उम्मीद है कि जो धूल भरी आंधी यानी प्री मानसून गतिविधियां बढ़ेंगी, क्योंकि ये जो नमी वाली हवाएं आप देखिए कि इस तरह से नमी बढ़ा रही है, अरब सागर से भी आ रही है और ईस्टर्ली विंड भी इस जगह से लोअर लेवल पर आ रही है, यानी कि बंगाल की खाड़ी से भी नमी आ रही है। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी है, पश्चिम विक्षोभ भी है, तो ये जो नमी बढ़ी है और गर्मी पहले से ही थी, 40 डिग्री से ऊपर तापमान गए हुए थे। जब तापमान ज्यादा होते हैं और नमी बढ़ जाती है तो हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं, और जब हवा ऊपर उठती है तो जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं वैसे वैसे सर्दी बढ़ती है। जैसे हम पहाड़ों पर जाते हैं तो देखते हैं ना कि टेम्परेचर गिर जाता है यानी ठंडा होता है, वैसे ही जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर चलते हैं तो जब हवा ऊपर चलती है तो ठंडी होती है और उसमें वो एक्सपेंड होती है। जब एक्सपेंड होती है तो ठंडी होकर के उसमें जो मॉइस्चर होता है वो कंडेंस होता है और बादल बनते हैं, और बादल बनने के साथ साथ बारिश होती है, क्योंकि उसमें जो कंडेंसेशन के बाद जो पानी की बूंदें हैं वो गुरुत्वाकर्षण से नीचे गिरती हैं, इसीलिए बारिश होती है। तो यही कारण है कि अब ये वेदर एक्टिविटी बढ़ेगी और 11 से लेकर के 13 मई के बीच में अच्छी धूल भरी आंधी के साथ हो सकता है कि तेज बारिश कई इलाकों में हो, ओलावृष्टि की भी संभावना पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर, इन सारे इलाकों में कुछ इलाकों में हो सकती है। खास करके 12 और 13 मई को इंटेंसिटी सबसे ज्यादा रहेगी, 14 मई होते होते ये वेदर एक्टिविटी कम होना शुरू हो जाएगी, लेकिन पैची रेन फिर भी इस इलाके में जारी रह सकती है। अब बात करते हैं पूर्वी भारत की। तो पूर्वी भारत में कल भी ठीक ठाक बारिश देखने को मिली कई इलाकों में, बिहार के कई इलाकों में, झारखंड में, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन सारे इलाकों में, पूर्वोत्तर राज्यों में तो काफी ज्यादा भारी बारिश हो रही है पिछले कई दिनों से। और उसका कारण यह है कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखिए बना हुआ है और इस तरह से घूमती हुई हवाएं आ रही हैं और ट्रफ रेखा भी है जो सिक्किम से लेकर के नीचे तक आ रही है। तो ये जो वेदर पैरामीटर है ये भी सेम क्राइटेरिया बना रहे हैं, यानी बादल बन रहे हैं और बारिश हो रही है, तो ये मॉइस्चर लगातार फीड होता रहेगा। तो ये असम, मेघालय और त्रिपुरा और बांग्लादेश और उसके आसपास के इलाकों में बारिश काफी ज्यादा अच्छी होने की संभावना है अगले 3-4 दिनों के दौरान, और कल या परसों हो सकता है कि कलकत्ता और उसके आसपास भी बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएं। ऐसे ही पूर्वी बिहार में और जैसे अररिया, किशनगंज, सुपौल और कटिहार, भागलपुर, पूर्णिया, इन सारे इलाकों में ठीक ठाक बारिश होने की संभावना है, और इसी तरह से पूर्वी झारखंड में, उड़ीसा के ज्यादातर जिलों में ठीक ठाक बारिश होने की संभावना हमें नजर आ रही है। और अब 2 दिनों के बाद जो उत्तर प्रदेश है इस इलाके में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, फैजाबाद, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, चित्रकूट, जौनपुर, गोंडा, इन सारे इलाकों में हो सकता है गरज के साथ बारिश हो जाए। और इस जगह हम देखें तो ये अभी तो कल से हमें उम्मीद है कि जो पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, इस इलाके में बारिश बढ़ेगी, और 12-13 तारीख के आसपास जो है आपका जो सिंध का उत्तरी इलाका है और बलूचिस्तान के जो उत्तरी इलाके हैं इस इलाके में भी बारिश की गतिविधियां होंगी, लेकिन कराची और उसके आसपास के इलाके में मौसम शुष्क ही बना रहने की संभावना है। अब बात करते हैं दक्षिण, ये मध्य भारत की।
तो मध्य भारत में अब क्या होगा कि आज कई इलाकों में यानी कि मध्य प्रदेश में और राजस्थान के पूर्वी राजस्थान में गरज के साथ बारिश होगी। यानी कि गरज के साथ क्या बारिश होती है कि थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होती है, शॉर्ट स्पेल होता है और वो 15-20 मिनट का या कहीं कहीं 5 मिनट का ही होता है, लेकिन मेघ गर्जना होती है, बादल छाते हैं और थोड़ा बहुत तापमान गिर जाता है। तो यानी पैची रेन होती है, टुकड़ों में होती है, कुछ इलाकों में होती है, कुछ इलाकों में नहीं होती। तो इसी तरह की वेदर एक्टिविटी इस इलाके में दिखाई दे रही है। और विदर्भ में कल बारिश अच्छी हुई थी और अब क्या होगा, विदर्भ और मराठवाड़ा के साथ साथ दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं, लेकिन बाकी जो इलाके हैं आपके मुंबई, थाने, दहानू, रायगढ़, इन इलाकों का मौसम शुष्क ही रहेगा, गर्मी बनी रहेगी और हल्के फुल्के बादल छा सकते हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखिए ये जो बना हुआ है ये दिखाई दे रहा है आपका केरल और उससे सटे हुए तमिलनाडु पर। तो केरल और जो आंतरिक तमिलनाडु है और तटीय कर्नाटका, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, इस इलाके में अच्छी बारिश होने की संभावना है। धीरे धीरे बारिश बढ़ेगी, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी और साथ साथ इंटीरियर कर्नाटका में भी बारिश होगी। यानी कि अगले 3-4 दिनों तक दक्षिण भारत में ठीक ठाक बारिश मिलेगी। लक्षद्वीप में बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा अच्छी रहने की संभावना है। और बाकी बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहुत ज्यादा तेज बारिश नहीं होगी, लेकिन कुछ ना कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां छुटपुट होती रहेंगी। और ये जो प्री मानसून गतिविधियां हैं ये 15 मई तक ठीक ठाक होगी, इसीलिए हीट वेव पूरे इंडिया में अभी फिलहाल आने की संभावना नहीं है। और ये काफी अच्छी बात है कि मई का महीना आधा निकल जाएगा और तब तक भीषण गर्मी जो ज्यादातर होती है कि 45, 46, 47 डिग्री तक तापमान चले जाते हैं, उस तरह का मौसम अभी फिलहाल देखने को नहीं मिलेगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल।